हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्किलिज्म। मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर शेर अफजल। आज हम देखेंगे कि फोटोशॉप कौन कौन यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है और फोटोशॉप के इंटरफेस क्या है, वर्कस्पेस क्या है, इन चीज़ों के हवाले में हम देखेंगे। आज से हमारा फोटोशॉप की ट्रेनिंग शुरू होती है और हम इसी के साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी चलाते रहेंगे। कुछ बेसिक्स हम बताएंगे, पिक्सल्स वेक्टर्स क्या होते हैं, इसे रास्टर और ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, ये सारे थ्योरीज में आएंगे। लोगो टाइप्स क्या होते हैं, फोटोशॉप के एसोसिएटेड तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ब्रिज है फोटोशॉप का, एक दूसरा जो है हमारे पास कैमरा रो है। इन चीज़ों के हवाले से भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन जो है फोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप कौन यूज़ करते हैं, हु यूज़ फोटोशॉप। फोटोशॉप यूज़ करते हैं फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर्स, 3D आर्टिस्ट। 3D आर्टिस्ट भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं। फोटोग्राफर्स फोटो को अपने जो फोटोज़ होते हैं उनके एक्सपोजर को ठीक करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा यो वो क्रॉपिंग के लिए, रोटेशन के लिए, चीज़ों को हीलिंग के लिए, रीटचिंग के लिए, ये सब के लिए फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। वीडियोग्राफर भी, अगर आप कोई कोई भी आपने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं उनको अगर सिमुलेट करना चाहते हो तब भी आप वीडियोग्राफर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई अनवांटेड कोई ऑब्जेक्ट इसकी वीडियो में हो तो उसको हील करने के लिए भी वीडियोग्राफर्स यूज़ करते हैं फोटोशॉप को। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आप सब जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, जब भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सोचते हैं तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप हमारे दिमाग में आता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत बैनर्स बनाने, टेम्पलेट्स बनाने और डिफरेंट टाइप्स के जो है ना डिज़ाइन्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी ग्राफिक जो प्रिंटेड हो या वेब के लिए हो, इसके लिए हम फोटोशॉप यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में हमारे पास आते हैं मोबाइल ऐप्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, ये सारे हम डिज़ाइन करते हैं। वेब डिज़ाइनर्स फोटोशॉप यूज़ करते हुए उस सब को डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं 3D आर्टिस्ट। 3D आर्टिस्ट तकरीबन क्या करते हैं, 3D आर्टिस्ट से कोई भी 3D इमेज या कोई पोस्टर, कोई मोई का किसी भी तरह का जो पोस्टर होता है वो डिज़ाइन करने के लिए, उसमें 3D अपीयरेंस देने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं कि फोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है फोटोशॉप। अभी ये खुला हुआ है, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है यही जो है ना, ये कोई एक डिज़ाइन मैंने बनाई ऐसी हल्की सी, कुछ इतनी खास नहीं है। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से क्लोज़ किया जा सकता है। और ये हमारी टूल बार है, ये आपका वर्क स्पेस है, एसेंशियल वर्क स्पेस कहते हैं इसको। वर्क स्पेस में आपके पास जो है ना पेंटिंग की है, फोटोग्राफी की है, टाइपोग्राफी की है। मैं यहाँ पे एसेंशियल पे हूँ फ़िलहाल। तो इसके अलावा हमारे पास ये टूल बार है, उसमें डिफरेंट काइंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में भी आ सकता है यहाँ ऐसे। और ये हमारे पास मेनू बार है और ये आपके पास अभी ये फोटोशॉप का इंटरफेस है। तो सबसे पहले आपके पास जो है ना, ये जब भी आप कोई पिक्सल ग्राफिक्स जो है या पिक्सल वाला ग्राफिक या रास्टर ग्राफिक जब वो भी करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट साइज़ का पता होना लाजमी है, डायमेंशन का पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले आप डायमेंशन सेलेक्ट करोगे या अपना कोई फ़ोटो ओपन कैसे करते हैं या डायमेंशन कैसे करते हैं, तो आप जाकर फाइल में जाओगे। अगर न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनानी है तो आप न्यू में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास एक विंडो खुलेगी। विंडो खुलेगी, यहाँ पर डिफरेंट जो है आपके पास स्टैंडर्ड्स गिवन है, US पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, फिल्म एंड वीडियो, मोबाइल डिवाइसेस, सब के लिए स्टैंडर्ड इनके जो साइजेस है वो यहाँ पे गिवन है। लेकिन आप कस्टम भी कोई अपना बना सकते हो, जो है आप कोई भी उसको नाम दे सकते हो कि APC। और ये हमारे पास एक विड्थ हमारे पास होगा 1000 पिक्सल्स का और हाइट हमारे पास 500 पिक्सल्स का और रिजोल्यूशन हमारे पास जो है पिक्सल्स पर इंच 72 है। अब जो है ये रिजोल्यूशन का भी बड़ा वो है कि आप अगर डिफरेंट ग्राफिक्स बना रहे हो तो उसका जो है रिजोल्यूशन भी अलग अलग होगा। और इसका RGB, CMYK, लेप कलर, ग्रे स्केल, बिट मैप और इसके बिट्स क्या होते हैं, बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड या कोई भी आप कलर दे सकते हो, ट्रांसपेरेंट दे, तो ये सारी चीज़ें और एडवांस में भी नहीं करा रहा, एडवांस में अब जो है ये भी हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा से अब अपने कोई प्री सेटअप जो सेटिंग होती है वो भी आप सेव कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, मतलब आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है, बस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपने इतना वो डायमेंशंस आपको दे देता है कि मुझे इतने जो है ना इतने साइज का मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई प्रिंटेड या कोई वेब वेब के लिए कोई वेब बैनर, ये ऐसा आपको बता देता है कि आप फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि मुझे किस मीडिया के लिए काम करना है। उस मीडिया के हवाले मीडिया को जब आपको मीडिया बताया जाता है तब आप जाके रिजोल्यूशन सेलेक्ट करते हो, उसकी साइज सेलेक्ट करते हो, इस हिसाब से आप काम करने लगते हो। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये देखो एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसकी रिजोल्यूशन जो होगी वो 72 पिक्सल्स पर इंच होंगी, और ये जो है 1000 इसकी विथ है, 1000 पिक्सल्स, और हाइट इसकी 500 पिक्सल्स। ये एक डॉक्यूमेंट बन गया। और इसके अलावा आप कोई भी इमेज इंपोर्ट करना चाहते हो तो ओपन करके डेस्कटॉप में मेरे पास कोई इमेज हो शायद, ठीक हो गया, ये एक मैंने कोई इमेज बनाया था पहले अपने उसके लिए, तो ये देखो ये इमेज आ गया। डिज़ाइनिंग हम लोगों ने ये हमने एक थंबनेल बनाया था, मैंने एक थंबनेल बनाया था अपनी जो है प्रीवियस थ्योरी क्लासेस के लिए, ये मैंने इसके अंदर इम्पोर्ट किया। और अगर आप फोटोग्राफर हो, आपके पास 300 400 फोटोज़ हैं, तो आपने अगर इम्पोर्ट करना होगा कोई भी चीज़ को, तो तब आप क्या करोगे, ब्राउज इन ब्रिज करोगे, क्योंकि आपने सेलेक्ट फोटोज़ को सेलेक्ट भी करना होता है, मेटा टैग्स भी देने होते हैं, ये सब चीज़ें करने होते हैं, तब आप जो है आप यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करोगे, दिस पीसी डेटा 1 डेटा 2 कोई भी ऐसा फोल्डर, तो इसी तरह ये आपके पास जो है कोई कंटेंट आएगा, फिर आप वहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट करोगे, तो फिर इसी तरह आप काम करोगे। ये अब तो मेरे पास जो है ना फिलहाल यहाँ पे कोई मेरे पास ये मेरा लैपटॉप है, मैं जितने भी पिक्चर्स वगैरह है वो मेरे उसमें है डेस्कटॉप में है, तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसे पिक्चर्स नहीं है। फिलहाल हम फोटोग्राफी के लिए भी काम कर भी नहीं रहे हैं, तो हम बाद में ये भी कर लेंगे, ब्रिज से हम अपने इमेज कैसे सेलेक्ट करते हैं और ब्रिज हमें क्या मतलब कि कैसे हेल्प करता है, कैमरा रोल से भी हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब तो ये था हमारा इंटरफेस, और हम एक एक टूल को स्टडी करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, एक एक फंक्शन को, फिल्टर्स को, तमाम चीज़ें हम फोटोशॉप में देखेंगे। हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आपका फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सिखाना है, सब्सक्राइबर्स गेन करना, ये सब चीज़ें, दिस आर सेकेंडरी थिंग्स, और फर्स्ट प्रायोरिटीज टू टीच यू। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगला कोई ट्यूटोरियल में किसी दूसरे टूल के साथ। ये आपके पास फोटोशॉप CS6 है, मेरे पास CC2020 भी है, मगर वो थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो कि मेरा जो है लैपटॉप के GUI का मसला है या कुछ और रैम वैम वगैरह का, तो फिर हम इस पर ट्रेनिंग लेंगे और इंशाल्लाह इसी को लेकर आगे चलेंगे, और मज़ीद भी आपको चीज़ें बताते रहेंगे इस हवाले से कि 2020 में क्या क्या न्यू चीज़ आई हैं, वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। फिलहाल आप कोई भी बिगनर है, कोई भी बंदा हमारे साथ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बिगनर्स हैं, जो मुझे ऑफलाइन भी कहते रहते हैं, वो इसी के साथ शुरू करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह भी का इशू, कोई भी इसका भी कोई इशू है, तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।